सिर्फ अल्लाह के रास्ते में निकल के सुस्ती कर दी थी। तीनों की सुस्ती है। एक ने इसलिए किया कि मेरे पास तेज सवारी में पहुंच जाऊंगा, अच्छा शैतान आजकल बाकी चीजों में तो बेबस हो गया था, बिल्कुल बेबस हो गया। वो किसी से भी बात करें तो हर आदमी कहेगा ये हमारा काम, क्योंकि कुर्बानियां इतनी हो चुकी हैं अल्लाह के फजल करम से कि शैतान भी बेबस हो गया है। वो हम लोगों को नहीं कहता तब्दील का मामला हो, कहता तब्दील का मामला, लेकिन उसके पास गोल पोसा है। अब उसके पास एक बड़ा गोल है, वो क्या है, ये कल के बारे में डर पाता है। किसी को कहता है बस साथ के लिए जाना है, बस आए का साथ सफर, बस जिला ये लिए बात जिला इंशाल्लाह इस्लामाबाद देश में आ सकता, और इसी तरह आगे पे आगे पे आगे पे ले जाता है, आगे पे ले जाता है। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इससे डराया है इस शैतान के इस वजह से कि कहीं तुम्हें ये बेईमान कल के वादे पर डरवाता ना रहे और तुम्हें मौत आ जाए और तुम इसी तरह चले। तो एक उनके पास ये थी सुस्ती, थी सुस्ती उन्हें की कि वो नहीं मैं सवारी मेरे पास है मैं चला जाऊँ। इनको ये किसी के घर में फंक्शन हो रहा था, एक के घर में फंक्शन था जिसको हम फंक्शन कहते हैं, कोई प्रोग्राम था उनके घर, तो उन्होंने कहा मैं बहुत शामिल होता रहा हूँ, मतलब चलो सब की हेल्प की क्या बस। इसीलिए कहते हैं एक वादे के इरादे थे इस मुबारक महीने में, चलो खैर आगे भी नहीं चलता, सुनता है जी, जैसे अल्लाह मुस्तकनी है इसी तरह ये काम भी बड़ा मुस्तकनी है। आप तजर्बा करके देखें, अगर आप गेस्ट पे जा रहे हैं और आपने ये कहा चलो आज मेरे रिलेशन में शामिल ना हो मतलब कोई बात है, कभी नहीं हो सकता। आप शबे जुमा में आ रहे हैं, वो जो बड़ी शबे जुमा की है, अगर आज कोई थोड़ा सा इधर काम है ना किया तो कोई बात नहीं, बिल्कुल फारे उधर भी काम नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसीलिए मोहतरम हाजी साहब रहमतुल्लाह फरमाते फरमाते दुनिया से चले गए कि कितना अजीम काम है कि इससे इस काम के लिए अल्लाह पाक से भीख मांगनी है। जैसे भिखारी भीख मांगते मांगते मर जाता है, अल्लाह से मांगते मांगते दुनिया से चले जाओ, या अल्लाह हमें इस मुबारक काम के साथ बहुत तक ज़्यादा निश्चित अदा करना, कभी इससे किसी याद में मालूम तो तीन साहबा ये थे और साथ इनके अलावा तीन का जो किस्सा सुनते रहते हैं, 40 दिन तक इनसे सब सलाम कलाम बंद हो गया, ऐलान ये हो गया था कि इनसे कोई आदमी सलाम नहीं लगे। मुक्ता बिन मालिक कहते हैं कि मुझे उस दिन मैंने ये समझा कि आसमान मेरे सर पर आ गया जब मैंने अपने चचाजात भाई से कहा भाई जान मैं सलाम अलैकुम मुझे आपसे मोहब्बत है, उसने चेहरा उधर किया, उसने कहा अल्लाह जानता है हमें बोलने की इजाज़त नहीं है, और जब वो भी मुझसे नाराज होकर चला गया तो मैंने समझा कि अरे अगर 35 साल की दुनिया से चला गया तो मेरा क्या हाल होगा, तो हुजूर नाराज सारे सहाबा नाराज। तो 40 दिन तक फिर 10 दिन अपनी बीवी को भी अपने से दूर कर ये काम, हर मुसलमान इनसे सलाम कलाम सब कर। फिर जो साथ हैं उनमें अबू लबाबा हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह माजुल कुरान में इनका लिखा है सात आदि का किस्सा, उसमें एक लिखा है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इनमें एक अबू लबाबा और इन्होंने साथ जाकर क्या कर दिया, अपने आप को सुकून के साथ मान लिया, बस के सुकून के साथ हमारा बेस्ट रह जाए ना, मैं अफसोस नहीं। मौलाना फरमाते थे गश्त रह जाता है, गश्त का हर कदम आदमी को अल्लाह के करीब लेके जाता है, गश्त का हर कदम आदमी को हिदायत के करीब लेके जाता है। इस गश्त से न जाने कितने खानदान कहाँ के मुसलमान हो गए, किस गश्त गश्त न हो रहा है वैसे पता नहीं किस मुल्क हो रहा है, और आज के गश्त से चूंकि इसके ऊपर हाल आया हुआ है, इस हाल में ये अपने हाल में लग गया और गश्त इसने छोड़ दिया, वो लोग सदियों हदायत से दूर चले जाते, परसों सदियों में परसों हदायत से दूर चले जाते, और ये परसों ये दूर चला जाता है, मतलब कि इसे गुरु के मंजर हासिल के लिए दूर चला जाता है।
से बहुत आगे जा रहा था, बहुत पीछे चला गया। गाड़ी चराए पर चढ़ती है ना, चराए पे तो वहां पे उसको छोड़ दो, रेस देनी छोड़ दो, वो ये नहीं कि वहां रुक जाएगी, वो पीछे आएगी। तो ये सात ने हमने आपको सुकून में बांध दिया, बांध दिया, रोते थे, सवाल करते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे, तौबा कर करके सूरह तौबा के ऊपर सूरह तौबा। तो जब इनकी तौबा की बरात आई तो आप मेरे सब साथ में फरमाया भाई इनको खोल दो, तो छह को खोल के तो चले गए, छह उनको खोल दिया गया। जो आपको लुमाबा थे उन्होंने कहा कि मैं नहीं, उस वक्त तक मैं अपने आप को बांधा ही रखूंगा, मुझे अंदर के रसूल अगर खोलेंगे तो मैं जाऊंगा, उस वक्त तक अल्लाह की कसम मैं नहीं खा सकूंगा, अल्लाह के रसूल अपने आप से खोले। तो अल्लाह के रसूल को इतना हुई कि बाबा ये कहते हैं, ये सुनने की चीज है, सब हम सब के सुनने की चीज है, कितनी बड़ी बहीन है इस बात को छोड़ो, सुनो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मुझे भी अल्लाह की कसम है अबू लबाबा मैं भी उस वक्त तक आपको नहीं खोलूंगा जब तक अल्लाह मुझे हुक्म नहीं देगा, इसलिए कि तुम्हारा लोगों पर जाना बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म, ये ऐसा मामूली जुर्म नहीं है कि मैं अगर तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस वक्त तक तुम्हें मैं जब तक मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं। तो फिर फजर की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल के कभी आई अपनी आशा रजाना फरमाती है, मैंने देखा कि हुजूर ने कृपा करे सब सामने ऊपर के कभी आई और मुझे महसूस हुआ कि अब कहीं उतर गई है और आप मेरे सब स्थान को हुक्म होता है कि अबू लबाबा ने ऐसी तौबा की है मेरे महबूब जाकर उसको अपने हाथों से करो। ये मामूली काम नहीं है, ये अजीमत का काम है, तो बनू का काम, सारी चीजों को पीछे करूंगा, इस काम को आगे करूंगा। मौलाना सैयद अहमद खान साहब फरमाते थे दुनिया में सबसे बड़ी नेकी क्या है, दुनिया में सबसे बड़ी नेकी फरमाते दावत का काम, दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह दावत के काम को छोड़ना है, सबसे बड़ा गुनाह दावत के काम को छोड़ना है। हम इसको नहीं छोड़ सकते, हर चीज को छोड़ सकते हैं, बच्चों को छोड़ सकते हैं, बीवी को आगे पीछे, दुकान को आगे पीछे, कारोबार को आगे पीछे, अपनी सेहत तक आगे पीछे कर देंगे, लेकिन अपना कष्ट नहीं छोड़ेंगे, अपना सिरदर्द नहीं छोड़ेंगे, अपनी तालीम नहीं छोड़ेंगे, जो ये अमान है पांच इनको भी नहीं छोड़ेंगे। किस किस कर दिया जी इंशाल्लाह मौत तक, एक दो दो दिन नहीं कब तक जी मौत तक इंशाल्लाह दोनों कष्ट। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब ने बताते थे, कभी बाबर साहब ने बात किया आप सकते हैं, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्राणों के जोर पर फरमाया दो कष्ट हर मुसलमान के लिए खुश होगी, दो कष्ट हर मुसलमान के लिए, ये तब्दीली है गैर तब्दीली है, अगर दो कष्टों पर पाबंदी है तो ये तब्दीली है, अगर दो कष्टों पर पाबंदी नहीं है तो तब्दीली नहीं है। और फरमाते हैं तब्दीली और गैर तब्दीली होना फर्क क्या है, फर्क क्या है कि तब्दीली होना इतनी बड़ी शर्त की बात है कि कल नबियों की कुर्सी के साथ कुर्सी लगी होगी। मौलाना फायद वाकर जकरिया मस्जिद ने मौलाना महमूद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बयान किया, फरमाने लगे अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी शान को पहचानो, अपने मर्तबे को पहचानो, अपनी असलत को पहचानो, कल नबियों की कुर्सी के साथ हमारी कुर्सी तब्दील ही होकर दुनिया से जाना, ये कितनी बड़ी शान है नबियों के साथ, इनके चेहरों का नूर नबियों के पेशाबे होगा। मौलाना जमील साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे मैं हदीस में देखता रहा 25 साल दूर तक मुझे जन्नत मिली, लेकिन एक हदीस मुझे मिल गई जिसमें लिखा हुआ था अंबिया अलैहिस्सलाम को 50 लाख गोरों वाली जन्नत मिलेगी, 50 लाख गोरों वाली जन्नत, और आगे लिखा हुआ था इस उम्मत के जो लोग तबलीग का काम करके दुनिया से जाएंगे, दावत के काम को अपना काम बना के दुनिया से जाएंगे, उनको भी 50 लाख गोरों वाली जन्नत होता है। जन्नत के 100 दर्जे और हर दर्जा जमीन से आसमान तक, एक एक दर्जा जमीन से आसमान। वो फरमाते थे कि
हर दर्जा जमीन से आसमान तक और अंबिया अलैहिस्सलाम सोवे दर्जे थे, सोवे कमाल दर्जा सोवे, और एक कम सौ दर्जे पर ये उम्मत के वो इस उम्मत के वो लोग होंगे जो दावत का काम करते करते दुनिया से जाए, एक कम सौ दर्जे। जरा सोचो तो से क्या मरतबा होगा, थोड़ी सी जिंदगी है बस, थोड़ी सी। और यकीन जानिए सारे मसाइल का हल ये दावत का था, सारे मसाइल का बेदीनी का खत्म करने का हल ये दावत का था, दावत का था। हम देखें सुनते रहते हैं एक आदमी उसका किस्सा आता है कि दावत कितनी जरूरी चीज है, उसका किस्सा आता है कि वो उसकी चाचेदार माँ बहन के साथ अपनी कोई वो उसको अच्छी लगती थी, तो वो एक बेचारी पकड़ो मांगा से उसके पास आई और उसने कहा कि मेरे मेरी भी मदद करो। उसने कहा मदद करूंगा लेकिन तू मेरी ख्वाहिश को पूरा कर। तो उसने कहा बेबस थी बच्चे छोटे छोटे वो पकड़ो मांगा। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो जब वो उसके पास गया पूरा काबू पा लिया तो उसने उस लड़की ने उसको दावत दी, उसको दावत कि देख अल्लाह से डर, देख अल्लाह से डर, ये दावत दी। अगर ये दावत ना देती तो बुराई से बच सकता। दावत में इतनी तासीर है, इतना असर है। तो इस मुबारक मेहनत को, इस मुबारक मेहनत को कुर्बानी के साथ करना और इन अमाल को पाबंदी के साथ अपने कश्त को दो कश्त को दो तरी में इसी तरह महीने का सो रोजा है ये पाबंदी के साथ और शब जुमा इसमें शब जुमे का ध्यान शब जुमा में एहतमाम के साथ। ये जो शहर के लोग हैं इनके लिए तो आज शब जुमा में आना है, जो मुजाफात के लोग हैं उनके लिए भी है कि महीने में एक आधी नमक जरूर कहिए, जो मुजाफात के दूर दराज के लोग महीने में एक नमक जरूर ये शब जुमा में जगह ताकि इनके सामने तकाजे आए कि अपने तकाजे आए। तो सारे जरा कोशिश करेंगे ना भाई। अमीन साहब कराची वाले रहमतुल्लाह फरमाते थे शबे जुम्मा का क्याम, शबे जुम्मे का क्याम, शबे जुम्मा का क्याम ये तबलीग की पहली सीढ़ी है। अगर जो आदमी इस पर काबू पा लेगा अल्लाह इससे ऐसी ऐसी तशकीलें वजूद में लाएगा कि खानदानों के खानदान अल्लाह को जाएंगे। ये मामूली रस्म है और ये बड़ी फजा होती है। नए लोगों को नहीं करना कहते तीन दिन अपने मुकाम पर रखो फिर उनको शब जुम्मा में देंगे। ऐसे नए लोग आएंगे और से मुतासर नहीं। हमारे एक लियाकत साहब थे मोहन पूरे मोहन पूरा लोग जानते हैं के विकास शहर हमारे हाजी कैंप में जब हाजी लोग जाते थे उसमें बहुत काम करते थे। तो लियाकत साहब ने अपनी कारगुजारी सुनाई उनका बेटा तबलीग में लग गया, बेटा तबलीग में लग गया तो कहने लगे कि मुझे बेटा बार बार गए अब्बा जी आप जकरिया मस्जिद चले। तो वो एक दूसरी जगह पे जाते थे वो कहने लगे जी मैं तो वहाँ पे नहीं जाऊँगा कभी भी नहीं जाऊँगा। कहने लगे कोई साल मेरी मिन्नत करता रहा एक दिन कहता अब्बा जी आप देख तो आए एक दो देख तो आए। तो कहने लगे मैं बिल्कुल बाहर बैठा हुआ था साहिबान में उस वक्त बाहर का वो दूसरी मंदिर अभी बनी नहीं थी वो मैदान ही था बाहर बैठा हुआ था। तो बयान हुआ बयान हुआ तो बयान करने वाले ने ये बात की कि जब आदमी अल्लाह के रास्ते में जाता है अल्लाह उसके घर की हर चीज़ के अल्लाह हिफाजत करेगा हुजूर की मर्ज़ी के साथ। और बहुत सारी बातें मुझे ऐसी लगी कि कहते हैं मैंने बेटे से कहा बेटा मैं मेरा दिल करता है मैं चार मिनट रहता हूँ। मैं बेटे ने शुक्र किया उसने लाकर मुझे बिस्तर दिया कहते मैं वहाँ से ही चार मिनट लीजिए। ये शबे जुमा ऐसी मामूली चीज नहीं है। और इलियास रहमतुल्लाह का सुना है वो फरमाते थे कि अगर इस शबे जुमा में जब और यूसुफ रहमतुल्लाह है इस शबे जुमा में गैर मुस्लिम भी आकर बैठे वो भी असर दिए बिना नहीं पड़ सकते। तो भाई इंशाल्लाह सारे कोशिश करेंगे ना शबे जुमा खाने बिस्तर के साथ छोटे बच्चों को साथ बनाए इसकी अपने मगर में भी अपना बात है भाई छोटे बच्चों के साथ भी नहीं लेना और खाने बिस्तर के साथ और इस असर की नमाज यहाँ पे सुबह इशराक है।
फिर देख रहा हूँ कितना काम में आ गई। और भाइयों ये मुबारक है, इसमें सिद्धांत से जितना मानिए आदमी पढ़ता जाएगा उतना लोग हमारे पास क्रिएटिव होते हैं। सिद्धांत में आगे बढ़े, सिद्धांत में रोजाना हम दावत में आगे बढ़े, इबादत में हम आगे बढ़े, सिंगर में आगे बढ़े, अपने अखलाक में आगे बढ़े, अखलाक में आगे बढ़े। सिद्धांत से आगे बढ़ेंगे लोग करीब आते थे, और ये बड़ी बड़ी सिद्धांत है, अखलाक एक बहुत बड़ी सिद्धांत। और अपनी मसलों में मुख्तलिफ शादी है, यानी कोई किस खानदान का, कोई किस खानदान का, किस खानदान का, सारे आपस में अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए। और हम फरमाते थे आज खानदानों की नस्बत से, भाई भाई होने की नस्बत से, बीवी खावन होने की नस्बत से, दोस्त दोस्त होने की नस्बत से एक दूसरे से मोहब्बत है, अल्लाह के लिए मोहब्बत ये नहीं, अल्लाह के लिए मोहब्बत ये उम्र पना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत ये उम्र पना है। वो फरमाते थे सारे उम्र को अल्लाह खत्म कर देगा अगर ये अल्लाह के लिए मोहब्बत शुरू हो जाएगी, सारे उम्र को अल्लाह खत्म कर देगा, इसलिए भी उम्र पना है। और फिर फरमाया अगर अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर सारे नेक अमाल खत्म हो जाएंगे और बहुत बड़े खतरे की बात हो जाएगी, अल्लाह के लिए मोहब्बत छोड़ दो। और हदीस कुदसी में आता है, हदीस कुदसी में अल्लाह हू अकबर, चार बातें इंसान सुन रहे हैं, बड़ी अजीब बातें हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है जो मेरे लिए अपने भाई से खैर भाई है। पहली बात, मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है जो मेरे लिए अपने भाई से खैर भाई है, खैर भाई। दूसरी बात, अल्लाह फरमाते हैं मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है जो मेरे लिए दूसरे अपने भाई के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कहते हैं मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है। अल्लाह हू अकबर, यहां दो इशारा फरमाया। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है जो अपने मुसलमान भाई के ऊपर मेरे लिए अपना माल खर्च करता है, माल खर्च करता है। अल्लाह ने तबलीग का काम कैसा दिया, ये जितना लगाएंगे उतना होंगे, उससे ज्यादा होंगे। फिर अगली बार मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है, अल्लाह फरमाते मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए आते हैं, रिश्तेदारी मुलाकातें हैं तो आपस में मोहब्बत प्यार के साथ और दरगुजर के साथ, दरगुजर के साथ और एक दूसरे के कामों में लगना, बल्ले वालों के कामों में लगना, सारे मुसलमान इस काम वाले एक ही नहीं, तबलीग वालों का तबलीग वालों के साथ मोहब्बत और दूसरों के साथ है, ये भी एक तबका बनता जाता है साथ। नहीं, सारी उम्र, सारी उम्र लोगों के काम वाले, हम सब को एक निगाह से नहीं, सबसे मोहब्बत करें, सबके काम करें, मुसलमानों के काम में लगना बहुत बड़ा अजर है। देखो मुसलमानों के 10 साल लगे इतना का सवाब है जो मुसलमान की आदत को पूरा करने के लिए जाता है। और अल्लाह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये हयात सहाबा में एक बताए, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं किसी मुसलमान की एक आदत को पूरा कर लूँ, गौर से सुनना नहीं, बड़ी अजीब बात है, अल्लाह मैं किसी मुसलमान की एक आदत को पूरा कर दूँ अगर सारी रोए जमीन मुझे कोई सोने से भरकर दे दे, इससे ज्यादा मैं इसको खा लूं, सारी रोए जमीन को सोने से भरकर मुझे दे दे, मैं इससे ज्यादा इसको पसंद करता हूं कि अपने मुसलमान की हाजत को पूरा करूं। तो मुसलमानों की हाजत पर है, मुसलमानों की हाजत पर। और अपने में आपने जो मस्जिद के जिम्मेदार अमीर है उसकी और हिफ्ज़ बनाते हैं, अपने से बड़े की इज्जत करें, हमारे काम में हिफ्ज़ बनाते हैं, पढ़ा सिखाया है सीरत में सब कुछ मिलता है। इसीलिए मौलाना इलियास मुतल्ला ने मौलाना कफायतुल्लाह मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह के पास तशरीफ ले गए और याकूब के पास आए तो मौलाना इलियास मुतल्ला ने उनसे अर्ज की, मुफ्ती साहब आप सारी दुनिया के मुफ्ती हैं, जो
क्योंकि अल्लाह ने उनको इतना बड़ा इल्म दिया था कि मुफ्ती कमाल उल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थी कि जब वो मिस्र में दाखिल हुए तो उलमाए मिस्र उनके इस्तकबाल के लिए आए और उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है जिसके एक एक बात से इल्म का सुंदर भी होता है। इतना बड़ा तो सारा काम सीरत से मौलाना इजाज़ अहमद ने पूछा मुफ्ती साहब ये काम क्या कुरान के मुताबिक है, ये क्या सुन्नत के मुताबिक है, क्या ये सीरत के मुताबिक है, अगर कोई आगे पीछे हो मुझे आप बता दें। तो मुफ्ती साहब उन्होंने बताया इलियास मैंने सारी चीज़ों को देखा, ये कुरान के मुताबिक है, ये सुन्नत के मुताबिक है, ये सीरत के मुताबिक है, ये ऐसी मानक है। इसीलिए रात को आपने सुना ना शौकत साहब क्या बता रहे थे, मुझे पूरा शरा सदर है, पूरा शरा सदर है कि ये काम नहले हुकूमत में नहले हुकूमत में ऐसे नहीं बैठे हुए इसमें हो रही है। अल्लाह पाक ने कहां कहां तकलीफ से निकाल कर इन सबों को कहां पर पहुंचा इस दो तहीर से करा दे सीरत की ग्राउंड से बना दे क्या अब वो जैसा रजिया वो कह रहे जनों के आगे चल रहे आगे आगे चल रहे आगे आगे तो आप मेरे सदस्य ने देखा वो जैसा आगे आगे चल रहे अब वो जैसा को बनाया मैं वो जैसा इधर आओ मेरे पास वो इच्छा बनाया अब वो जैसा वो अगर के आगे ना चला गया तो मैं मालूम है ये कौन शख्स है, ये वो आदमी है अल्लाह की कसम नबियों के बाद जिस आज अजीम इंसान के ऊपर सूरज उतरा है वो अबू बकर जिसके आगे ना चला गया ये बताया मकाम होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह को सफर पे जा रहे हैं सहाबा के साथ आगे बूढ़ी अम्मा खड़ी है बूढ़ी हजरत उमर रजी अल्लाह जो बूढ़ी हो चुकी और उन्होंने देखा कि अमीर मोमिनीन आ गए पहचान दी थी बात और कुछ बात करने लगी तो बीच में कोई किसी ने कहा कि अम्मा जी हमने बहुत आगे जाना है मेहरबानी करके जरा अमीर मोमिनीन को जरा छोड़ दीजिए। तो अमीर मोमिनीन ने बात सुनी उन्होंने कहा ओ भाई आप कैसी बातें करते हैं तुम्हें क्या मालूम है ये कौन है ये बोला रजी अल्लाह अन्हु जिसकी बात अल्लाह ने सात आसमानों के ऊपर सुनी है उमर कौन है इनको छोड़कर जा सकता है अल्लाह की कसम अगर कि कल तक भी मुझे खड़ा करें तो मैं इधर इनके पास ही खड़ा हूँ। जो हमसे पहले तकलीफ में लगे वो बहुत आगे आज आपके सामने बाबे साहब ने बात किया काम करते करते बंदा कहता है मैं करता हूँ वो नहीं करता तो जो ही किसी आदमी की थोड़ी सी इबारत आती है आदमी बस इन चीजों से बचना इन चीजों से बचना अपने साथियों की कदर मल्ले में बड़े लोगों की कदर लोगों के कामों खुशी में शामिल होना ये सारी चीजें इसको कहते हैं ऊपर मान लोग जुड़ते रहेंगे आपके साथ जुड़ते रहेंगे और जनशाह साहब अपना करवाते थे लोगों से पहले पहले जाकर पैसे बढ़ाते थे पैसे बढ़ाते थे दो तीन चार रुपये जाते थे सलाम अलैकुम जी हम आपकी खरीद पूछने के लिए आए जब चार पांच दफा आप जाएंगे तो फिर वो खुद आपसे पूछेंगे भैया आप बार बार आते हैं अंदर तो तशरीफ लाए आप कितने हमारे खैर खां हैं कि आप अगर खरीद पूछते हैं बच्चों का पूछते हैं घर पर पूछते हैं किसी चीज़ की कोई कमी पेशी कोई जरूरत हो बताओ तो आप कितने अच्छे लोग हैं थोड़ा अंदर तो तशरीफ लें अब आपको जब अंदर बुलाएंगे घर में अब आप उनसे पूरी बात करें अब बात सुनने के लिए और बात थे बिल्कुल इसी तरह जैसे एक है बिल्कुल जमीन इस तरह की जिसके ऊपर ऐसे बीज डालो तो नहीं कुछ एक है जमीन को बीज के लिए हमवार करो अब उसको बीज डालेंगे तो सब कुछ देंगे तो एक एक आदमी को लेना होगा एक एक और सिर्फ बात के अपने आप को रोजाना आने से नमाजों में हमारा ये अमल हो आजाद होते हैं बस 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 सारे काम भूल जाए सारे काम भूल जाए हर याद सलाम और नमाज
राजी कर दुनिया आखिर की कामयाबी सारी की सारी चीजों पर लगना सारे कामों पर लगना इस पर नुकसान है इस पर मसीह की तरफ जाना बस ये पड़ा तो बहुत मौलाना फरमाते थे पहचान अगर आप हम किसी गरीब से गरीब आदमी के घर चले जाए वो इकराम करता है नहीं करता या क्या नहीं करता नहीं करता जो उसको कोई असर होता है वो इकराम कर लेता है गरीब के गरीब पाएगा और अगर वो बुलाएंगे मेरे घर में आओ तो फिर कितना इकराम करेंगे और वो रब जो सारी कायनात का बादशाह है वो अपने घर में बुलाता है तो कितना बड़ा इकराम करेगा मदद कर मैंने उसको कहा मदद कब करूँगा कि तू मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी
और ए अल्लाह जब मैंने उसके ऊपर काबू पा लिया और उसने कहा अल्लाह से डर, ए रब मैं तेरा नाम सुनते ही तुझसे मैं डरा, ए अल्लाह अगर तेरे यहाँ ये अमल कबूल है तो तू या अल्लाह हमारी हमें यहाँ सीसी से ज़्यादा तो हमें बचा। तो पत्थर वो किसका तो थोड़ा सा रास्ता होगा मौलाना फरमाते थे ये माशरत है कि अपने माशरे को गंदा ना करो, गंदगी से अपने माशरे को गंदा ना करो, साफ रखो। हर बहन हर औरत हमारी है, बड़ी है तो माँ भी छोटी है तो बेटी है, हमारी नजर गलत उठेगी पाकीज़ा नजर उठे पाकीज़ा नजर, पर हर भाई को मोहब्बत से देखो नजर इस तरह से पाकी, हर एक को अपना कारमा समझ, हर एक को अपना समझ। तीसरे ने दवा दी है अपना ये सुनने की बात है भाई जान मामला में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मुझे भी अल्लाह तौफीक दे दे और इस खास करके ये जो कचवा है वो जो हमारे साथी माशाल्लाह पक लगा के अली चाचा के हैं उनको पक लगा के बैठे हुए सारी दुनिया में अल्लाह सबको इस मामला में आला दर्जे की अल्लाह तौफीक दे दे। मामला का मामला कैसा है ये बड़ी अजीब बात, जो तीसरे ने दुआ की ए अल्लाह मुझे मालूम है एक मजदूर मेरे पास मजदूरी की फिर वो मुझसे चला गया मजदूरी छोड़ के, मैंने उसकी मजदूरी से कुछ थोड़ी सी चीज ली कोई आगे पीछे फिर एक बकरी ले ली फिर दो बकरियाँ हो गई दस हो गई फिर एक बहुत बड़ा रेबड़ हो गया गाय हो गई बहुत फूट हो गया बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक अरसे के बाद वो वापस आया, एक अरसे के बाद वापस आया और उसने आकर मुझे कहा गाँव में मेरी मजदूरी, तो मैंने कहा ये सब सब देख मजदूरी है अपना। उसने इतना भी नहीं कहा कि मैं दस बकरियाँ ले जाऊँ बाकी छोड़ रहा हूँ, चलो पचास ले जाऊँ बाकी छोड़ रहा हूँ, सब दे के चला गया और मेरे दिल में जरा बराबर भी कोई मैल नहीं है कि ये सब क्यों दे, मैंने सब खुशी से उसको दे दिया। अब बताओ अल्लाह दिलों के दिल को जानते हैं किस चीज का क्या क्या देना है, हर आपने अपना खुद तो बड़ा निभाते थे ये मामला है ये मामला। तो उसने दुआ की पत्थर और हटा तीनों के लिए रास्ता बन गया, तीनों के तीनों निकल गए। मौलाना फरमाते थे इस वक्त हमारी किश्ती डूबी हुई है समंदर में, ये किश्ती इसी से निकलेगी इन तीन अमाल के तहत से, अखलाक माशरत और मामलात मामला जी जिससे कर्जा लें कर्जा वापस लें। इमाम कुतुबी रहमतुल्लाह ने एक हदीस नकल की है जो आदमी किसी से कर्जा लेता है कर्जा लेता है और जिस तारीख से पहले जो तारीख उसने मुकर्रर की उससे पहले का वादा उस तारीख से पहले पहले उसने उसको वापस कर दिया, तो एक रुपए के बदले में उन्होंने लिखा है एक रुपए के बदले में 6 लाख रुपया 17 रुपया 100 कितना की 6 लाख बताओ रखेगा देगा देगा एक रुपया वापस करेगा तो 6 लाख रुपया इसको 17 करेगा स्वामी कर्जा देकर वापस कर। और जो आदमी कर्जा लेता है अपने भाई को कर्जा लेता है तो जब हाँ जितना कर्जा उसको देगा रोजाना उतने हजार उतने सौ उतने लाख उतना उसको सदका करने का स्वाद मिलता है। और अगर उसने बड़ी कोशिश की बेचारे उसके पास नहीं बच सके उसने और उसको भीड़ दी 2 महीने जब अभी 2 महीने के बाद आया तो फिर अगर उसने 10,000 दिया हुआ है तो फिर अब 20,000 का सदका उतना स्वाद मिलने का 20,000 ये वो अमाल है जिनको हमने अपनी जिंदगी में तो करेंगे ना जी इंशाल्लाह जिसका जो देना नहीं अगर नीयत सही हो देने की तो एक आदमी का किस्सा लिखा हुआ है जिनकी देने की नीयत सही होती है उसका किस्सा लिखा हुआ है। उसने एक आदमी से उधार दिया उसने कहा भाई कमा लो तो इससे पैसे लेके जा रहे हो कब लोगे
का बुला तारीख को धोखा अल्लाह को दुआ बनाता हूँ। किसको दुआ बनाता हूँ? अल्लाह को दुआ बनाता हूँ। वो उस तारीख को वापस आया पैसे देने के लिए, रास्ते में एक मास्टर वहाँ पे कश्ती के लिए जाता हूँ उसके इलाके में, वो आया और वहाँ पे बारिश की वजह से डूब गया नहीं, डूब गया नहीं। कश्ती वाले बैठे हुए सारे कहते हैं भाई साहब इस दुनिया में कश्ती अब नहीं जा सकती, तो ये इधर रुकेगा मामला तो फिर देखेगा। वो इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, तो उसने देखा वो कश्ती नहीं चलती। उसने एक लकड़ी को लिया किनारे से, पानी के किनारे से, और उसके अंदर 1000 अशरफियाँ दी हुई थी, 1000 अशरफियाँ उसके साथ बांधी और एक रुका लिखा कि इस तरह से मुझे पानी की वजह से मैं नहीं आ सका और मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ इनको, अल्लाह तुम्हारे तक पहुँचा दे और मेरी बात माफी हो। अल्लाह की शान को आदमी रोजाना आता कि आज नहीं आया हूँ, आज भी हूँ नहीं आया। 3 दिन गुजरे, उसने देखा एक चक्री किनारे पे है, समुद्र के किनारे पर उसने जा रहा है, पानी के किनारे पर उसने लकड़ी को, चलो लकड़ी को घर ले चलते, लकड़ी को उठाया तो उसमें घर ले गया तो देखा कि अशरफियाँ बांधी है और बीच में उस आदमी को रुका गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह जब नीयत सही होती है तो फिर अल्लाह ऐसे भी पहुँचा, वो देने की नीयत को तो फिर अल्लाह बहुत आसान कर, बहुत आसान। तो ये मुबारक मेहनत ऐसी है कि इस मुबारक मेहनत के साथ वो हुजूर की दुआ है, हुजूर की दुआ है, कभी अल्लाह ने सुना नहीं करी, कभी उसका नहीं करी। इसीलिए कुरान यूसुफ अपना बताते थे इस मुबारक मेहनत में कल्ले को यकीन ही समझो, कल्ले को यकीन ही समझो, अल्लाह सुभान व तआला वहां से रिजल्ट देंगे जहां से तुमने कमा नहीं। ये ऐसी मुबारक मेहनत, ये ऐसा मुबारक काम है, अल्लाह ऐसी ऐसी मदद करेंगे कि आदमी के घर को कमा नहीं है, ऐसे मदद करेंगे। ये वो काम है जिससे अल्लाह साथ हो जाते हैं और अल्लाह का सारा बैंक निजाम साथ हो जाता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं साथ, हुजूर की दुआएं साथ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं छोटा सा था तो मुझे मेरी माँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मेरे अनस के लिए दुआ करो, तो आप मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए 3 4 दुआएं, ए अल्लाह अनस की उम्र में बरकत अता करो, ए अल्लाह अनस के माल में बरकत अता करो, ए और फिर तीसरी दुआ ए अल्लाह अनस की औलाद में बरकत अता करो, और चौथी दुआ ये कि ए अल्लाह वो अनस को कल क़यामत के दिन हमारी बरकत अता करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं दुनिया के अंदर देखा, हुज़ूर की दुआएं तकलीफ वालों के लिए, हुज़ूर की दुआएं क्या दुआएं, ए अल्लाह सर सबद और शादाब, सर सबद और शादाब। उलमाए किराम फरमाते हैं इसमें यह है कि हरा भरा कर दे तकलीफ वालों, हरा भरा कर दे, हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह हरा भरा कर दे उसको जो मेरी बात को सुने चुकी जो दूसरी तरफ पहुंचे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर की 3 दुआएं अल्लाह ने मुझे दुनिया में देना, जब 90 साल से ऊपर के हुए हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु एक कम 100 साल के थे, एक कम 100 साल की उम्र थी, 99 साल, तो लोगों से कहते थे लोगों आओ हुज़ूर की दुआएं अपनी आंखों से तुम्हें दिखाओ कि मेरी उम्र देखो कितनी होगी। और मदीना मुनव्वरा में अंसार में सबसे ज़्यादा माल मेरे पास, माल सबसे ज़्यादा अंसार में सबसे ज़्यादा। और तीसरी बात कि मेरी औलाद 150 से ज़्यादा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद 150 से ज़्यादा औलाद थी, और कहते थे अल्लाह की साथ से कभी उम्मीद है कि वो रब कल क़यामत के दिन हुज़ूर की रफ़ाकत भी नसीब होगी, हुज़ूर की दुआ से। ये वो मुबारक मेहनत है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं सामने, दुआएं सामने। तो भाई इस मुबारक मेहनत को कुर्बानी के साथ और इमाम अमल के साथ और अपने सारे सारे दुकानों को पीछे करके इस मुबारक मेहनत को, और इसमें हम कुर्बानी क्या है कल माशाल्लाह बात यह है कि नसाब ये है कि साल में 40 दिन, महीने में 3 दिन और
कि मैं दो किश्ते हैं और फिर अपना गुजारा कर रहा हूँ, ये है। और ये बोला इलियास ने तमाम उलमाए किराम से जो तब पहले पास कर रहा था, अगर उम्र 30 पर आ जाए तो कल क़यामत के दिन 100 में 100 इशार होगी। तो हदीस में आता है कि ये उम्र का आखिरी हिस्सा है, अगर ये आखिरी हिस्सा दसवन सब ये दिन के ऊपर मेहनत करेंगे तो 100 में 100 इशार, 100 में 100। तो ये दसवा हिस्सा होता है, तो दसवें हिस्से के लिए तो माशाल्लाह वो एक मसाल भी उन्होंने दुकानदार सौदा जो देता है ना, तो वो अगर थोड़ा कम तोलेगा तो कार खराब हो जाता है, बराबर तो होता है तो फिर बराबर सफर होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा वो ना तोड़ दे तो कार खुश हो जाता है कि नहीं होता, कार खुश हो जाता है। तो भाई हम अपने इस हिसाब से थोड़ा सा पूरा तोड़ दें, साल में छीना है तो चिन्ह से आप थोड़ा सा वक्त बनाए, प्राइवेट में जमातें आती हैं, फिर वो भी एक जमात आई अमेरिका से, तो छठे दिन की तश्कील, छठे दिन जिनके साथ उनकी तश्कील हुई उस बात के लोग थे, तो यहाँ से देखिए बस आए उनकी तश्कील भी आ गई। तो मैंने पूछा कैसे जाना है, मैंने उनसे पूछा कि आपका सालाना चिन्ह है सवाल वालों से, कहने लगे कि सालाना चिन्ह नहीं है, आपको जो रैकेट में फरमाते हैं कि चिन्ह के अलावा कोई भाग दो ताकि पुराने साथी गेहूँ वालों के साथ अच्छी हो, तो आप 25-25 दिन के लिए आए, 25 दिन की हमारी तश्ल है, तो महीने के लिए आप बैठे रहेंगे तो 25 दिन की तश्ल हमारी से, तो चिंता तो हमारा लगता है माशाल्लाह निसाब के ऊपर है, और एक महीना कुर्बानी के साथ हम पूर्णा तोड़ गए साल में, एक महीना चला चिन्ह के अलावा जो हमारी बेरून के नमानों के साथ तश्ल हो जाए, फिर हमारे चिन्ह से 3 चिन्ह जो साथी करते हैं, पुराने साथियों की वहाँ जरूरत होती है, वहाँ भी तश्ल की जरूरत होती है, तो चिन्ह हम महीना दे दें रायपुर चले जाएंगे, बेरून के मेहमानों के साथ भेज दें, अपने पाकिस्तानी अपने साथियों के साथ भेज दें, जहाँ तश्ल कर दें, लेकिन पूर्णा तो लेंगे, इसके लिए फरमाए इंशाल्लाह कौन कौन तैयार है जो चिन्ह के अलावा महीना दे जी, माशाल्लाह बहुत कुछ है। इसी तरह हर महीने 3 दिन दे दें आप, 3 दिन हो गए साहब के, और भाई 3 दिन से हम थोड़ा सा आगे जाए, आगे जाने के लिए हमारे पास बेहतरीन हो गए, वो क्या है कि भाई हमारी जमातें हैं 7 साल की पैदल चल रही है, तो इन जमातों की उसत बहुत जरूरत है, पुराने साथी माशाल्लाह अभी कश्मीर में जमातें चल रही है, हमारे साथी 10-10 दिन के लिए वहाँ होंगे, 10 दिन के लिए जो वापस आकर उन्होंने कारोबारी सुनाई और कहा कि जो जमातों ने हमें दवाएं दी हैं आपको बता नहीं सकते, 4 दिन एक जमात के साथ 4 दिन एक जमात के साथ, और जमातों की खूब दुआएं दें, तो जितना जमात पूरे साल में रियाजत करती है, अजायदे करती है, माल खर्च करती है, जो मदद करती है, जो दावत के कामों में जो उनको देता है, एक मुसलमानों को थोड़ा सा दिलाने पर लंबा पूरा बना दिया, तो हम 3 दिन के अलावा महीने में कोई निकाल रहे हैं, चलो ये 10 दिन देंगे, 10 दिन चलो 3 दिन देंगे, 4 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, इसके लिए फरमाएं महीने के अलावा 3 दिन के अलावा इंशाल्लाह हम कर देंगे जी, माशाल्लाह अल्लाह बहुत मदद करेगा। साल हो गए जो उनकी तब्दील में लगे हुए 40 साल हो गए,
बड़ी मुश्किल से 3 दिन के लिए हम लोगों को मिला, वापस आगे हमें काम किया। कहने लगे मेरी बीवी ने जो कहा आप अल्लाह के रास्ते में जाते थे और मैंने बड़े बड़ी तकलीफ दी, क्योंकि बोला नहीं कि कसम को सुन गया एक वो है गुरबत है सारी चीज़ें, मैंने बड़ी तकलीफ देखी, मैंने सब आपको करने के लिए मार दिया, लेकिन याद रखना जो आज तक आपने मुझे तबलीग के काम से महरूम रखा है ये मैं मार ये माफ नहीं, ये मैं माफ नहीं करूँगी। वो अलग क्यों कि मुझे 3 दिन के बाद पता चला मुझे दुनिया में अल्लाह ने किस लिए दिया, आए मेरी सारी जिंदगी काम सारी जिंदगी काम की, मैं कितनी मसूलात को तैयार कर सकती थी गुरु वाले काम की, मैं कितनी मसूलात को तैयार कर सकती थी नमाज के लिए जिक्र के लिए, और आज मैं कहाँ भी पहुँच गई, लेकिन आप मुझे इस काम से तो भाइयों को तुम लोग जैसे अल्लाह ने मधु को इस मंत्र से बना दिया है ऐसी औरतों को अल्लाह ने इस मंत्र से बना दिया है। हर औरत की जिंदगी ऐसी साहबियात को देखें, साहबियात को उम्मत में सबसे पहली औरत है जो इस्लाम में दाखिल होने वाली सबसे पहली औरत है, यूं जो मैं काम करते हैं सबसे पहली औरत है जिसने उम्मत में बुजुर्ग किया, पहला बुजुर्ग औरत है सबसे पहले, और नमाज भी सबसे पहले इस उम्मत में सबसे पहले औरत है, और शहादत भी अल्लाह के नाम पर जान भी सबसे पहले हो रही है, और तो ने मर्दों से ज्यादा काम किया, मर्दों से ज्यादा काम हम अपने मुस्कुरात को अल्लाह के रास्ते में देखते हैं और उनको अपने हमारे तरह तशरीफ कर करने के बाद उनको अफसोस होगा, उनका बहुत बड़ा हक है कि हम उनको बुरे बात से मुस्कान की मेहनत का काम का दर्द का उनको साथी कौन कौन इंशाल्लाह वो पहाड़ के साथ टकरा जाए
तो पहाड़ ज्यादा बेहतर होंगे। ये सिफात वाले लोग अगर सुंदर में चले जाएंगे, सुंदर को रास्ते देते हैं, और लगता ये है अगर ये मेरे रूप में आ गए तो उन्हीं के लिए छोड़ेंगे, ये ऐसे सिफात करेंगे। तो भाइयों बातों का चाहता हूँ, बातों का अल्लाह से मांग बोला इतिहास के जब इंतजार हुआ इंतजार हुआ ये भी अब रहमान तुमको गुस्से दे रहे हैं। हमारे बड़ों ने हमें क्या पता है हमारा रूप क्या है। बोला इतिहास समझ तो गुस्से दे रहे थे मेरे लिए रहमान और पास खड़े थे और पेशानी पे हाथ फेर रहे थे और अपने साथी से कह रहे थे इस पेशानी पे अच्छी तरह से हाथ फेर लो, वो सभी ले लो, अल्लाह की कसम मैंने इस पेशानी को पाँच पाँच घंटे से भी देखा, पाँच पाँच घंटे मैंने से देखे इस पेशानी को, तो कितना मौका होगा अल्लाह से। तो भाई दादू के शराब के पानी है ना अल्लाह से है और इंशाल्लाह आपकी मुझे की दुआ हो जाएगी। सारे साथी जैसे लेके लिए बारे में पहले भी हमसे किया भाई तरतीब से निकलना तो आज का सके कोशिश करें कि इस्लामाबाद के शहर वाले थोड़ा सा वो भी मिले और इलाके वाले करें कि एक ग्राम की चीज़ है ताकि मरने के ऊपर नष्ट के कुछ इसकी कोशिश करें। उसके लिए मेरे दोस्तों लोग अपने आप को पेश करें, आदमी
इस्तेमाल तो एक जगह होता है, लेकिन हर तबादले के लिए मैं आपको पेश करता हूँ अंदर से दुआ मांग के अंदर से आओ हमें अपने स्पीड का तबादले के लिए कबूल कर पाएंगे, पेश करते रहेंगे कबूल होते रहेंगे इंशाल्लाह करते 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 करते। दूसरी गुजारिश ये थी कि आप अगर आपको सफर होता है हमारा नंबर का जो ड्राइवर का हो रहा है जी दसवें महीने की सातवीं तारीख की शाम सात अक्टूबर की शाम से हमारे हफ्ते का जो प्राइवेट में हो रहा है पूरे वारा नंबर हफ्ते का जो तीन दिन का प्राइवेट हो रहा है जो उसकी याद नहीं कराते हैं तो उसकी भी आने का फिर आप इसे इंतजाम करें आप श्री प्राइज में अभी सारे साथी और जो जो रह गए इनका धोखा उनको भी दें तो ज़रूर प्राइवेट शुरू की जाए कोरोना का जो है हमारे तरफ इस्तेमाल नहीं है तो इस्तेमाल की सारे किसका नहीं होगा उसके लिए जोर रखा जाता है तो तीन दिन का जोर है तो सात अक्टूबर की शाम से शुरू होगा सुविधा का इंतजाम करें शाम उसी गुजारिश है मेरे दोस्तों को कि जो है दुआ जो है वो मुखो लगवा है आप सारे युवा की इसका बहुत मौसम है वो दुआ है अब दुआ जो है बाकी कैसे जाए जो बड़ों से सुना है कि भाई हजूर कल के साथ मांगी है लापरवाही में मांगी गई दुआ जो है वो उसके अंदर बात जो नहीं कर पाते इसकी पूरी तरह अंदर मांगी जाए हम सब मांगेंगे मिल के मांगेंगे तो अल्लाह पाक तो रहीम करीम है अल्लाह देने वाली बात हमारे मौलाना मुफ्तीन साहब रेमेंडेशन लाए और आते ही वहाँ गाड़ी चलते हैं उनकी जगह बनी हुई थी मैदान में तो फरमाने लगे कि अभी मैं एक बात आया तो मैं पता जो लोग वहाँ मौजूद थे दफा हो गए फरमाने लगे कि मैं आज अपने घर में था उधर ही किसी बच्चे को बताया साथ रखी गए तो वो घर में काम कर और उसका बच्चा उसका पलू पकड़ कर पीछे से उससे चिट्ठी मांग रहा तो क्या कि वो उनके बच्चे काम कर रही थी वो मांगता था कपड़ा उसे खींचता था वो उसका हाथ से पीछे कर रहे थे काफ़ी देर हो गए बच्चे भी बड़ा सफल मिजाज को मांगते या उस बच्चे चिपका रहा भरोसा रहा मांगता रहा मांगता रहा कहता आप ही मुस्लिम को हटा रहा है और उसे सब काम मांग के छोड़ा और उस बच्चे को उठाया उसको चूम मार बैठा प्यार की हसीने से लगाया और फिर उसको जो मांग रहा था उसको दे दिया तो माने लगे देखो अगर बात तो अपनी माँ से कर रहा हूँ करने वाले तो मांगने में हमारे कमी जैसे बच्चे ने मांगने में कमी नहीं किया तो उसकी माँ ने उसको दे दिया तो अल्लाह कितने देने वाले अल्लाह कितने करीम है तो हम अल्लाह देते हैं लेकिन मांगने वाला भी जो हो तो वैसे मांगे अल्लाह के लिए मान मांगता है आदमी और सबसे कीमती चीज जो है मेरे दोस्तों को हिदायत है सब कुछ जहाँ मांगे वहाँ हिदायत मांगे अपने लिए भी और सारी उम्र का हाल हमारे सामने है मेरे दोस्तों को हर तरफ से इस तरह की मुश्किल हैं मसायब हैं वो हमारे अपने ही गुनाहों की वजह से इसलिए अपने गुनाहों का इस्तेदार करके उसको करनी माफ़ी मांगी और सबसे बड़ा जैसे स्वादी भर मारे थे कभी गुनाह जो है वो है कि हमारे जो काम हमारे दिल में नजावत था उसको हमने नहीं हमारे हाजी गुराब जिसमें पाँच दफा तौबा करके साथी तौबा करवा तौबा करो पहला हमने ये गुनाह किया इस काम को काम बना के नहीं किया इसको आप माफ करो तो सबने तौबा कर दीजिए नहीं मामला मेरे दोस्तों जो तो दिलों का है तो जुबानी नहीं है दिल से अल्लाह सत्ता का मामला अपने बंदे के दिल से बर रास्त है सब इस पर तौबा कहें अल्लाह हमारे इज्तमाही गुनाह को इंफरादी गुनाह को हमारे साथ हो गया हमने इस काम को अपना काम नहीं बनाया इसको आप हम उसमें तौबा करते हैं और तौबा क्या करना है उस काम से दायब होना वापस हो जाता उस काम तो अब हम ये गलती नहीं करेंगे यानी कि इस काम को अपना काम बना के करेंगे और मरते दम तक इस इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे करेंगे इंशाल्लाह अब रुचि बढ़ जाए काम